नमस्कार, न्यूज 19 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विकास बिश्नोई। पिछले एक महीने से जो चर्चाएं चल रही थी राजस्थान की राजनीति को लेकर, गहलोत कैबिनेट के विस्तार को लेकर, बदलाव को लेकर, उस पर अब विराम लग गया है। शनिवार को कुल 11 कैबिनेट मंत्री बनाए गए और 4 राज्य मंत्री बनाए गए हैं, यानी कि जो जरूरी संख्या थी 30 कैबिनेट मंत्रियों की, उसको पूरा कर लिया गया है। 9 पद पहले से खाली थे और 3 कैबिनेट मंत्री हैं उनका इस्तीफा लिया गया। ऐसे में जो जरूरी संख्या थी उसको अब पूरा कर लिया गया है। जो जाने वाले कैबिनेट मंत्री हैं उनमें गोविंद सिंह डोटासरा, जो राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, इसके अलावा रघु शर्मा जो स्वास्थ्य मंत्री, और हरीश चौधरी जिनको पंजाब की कमान संभाली दी गई है, उन्होंने भी इस्तीफा दिया और इन तीनों के इस्तीफे मंजूर हो गए हैं। अब बात आंकड़ों के हिसाब से करते हैं। कुल 11 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। ये जो नया कैबिनेट का गठन हुआ है इसमें 4 राज्य मंत्रियों को जगह दी गई है। अब जो 11 मंत्री बनाए गए हैं, कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, उनके नाम मैं आपको एक बार बता देता हूं। सबसे पहले हेमाराम चौधरी हैं, ये गुड्डा मालानी से विधायक हैं। महेंद्रजीत सिंह मालवीय, ये बागीडोरा से विधायक हैं। श्री रामलाल जाट, ये मांडल से हैं। और महेश जोशी जयपुर के हवा महल से विधायक हैं। विश्वेंद्र सिंह या डी कुम्हेर, विश्वेंद्र सिंह, वही विश्वेंद्र सिंह जिनको बर्खास्त किया गया था जब राजस्थान के अंदर कांग्रेस में आंतरिक कलह सामने आया था, तब इनको बर्खास्त किया गया था। ये वही विश्वेंद्र सिंह है, पायलट खेमे से आते हैं। और इसके बाद रमेश मीणा, ये भी सपोटरा से हैं। ममता भूपेश बैरवा, एक बड़ा नाम, ये भी सिकराय से। और भजनलाल जाटव, ये वैर से आते हैं। टीकाराम जोली, एक बड़ा नाम, अलवर ग्रामीण से आते हैं। गोविंद राम मेघवाल खाजूवाला से आते हैं, जो पाकिस्तान बॉर्डर से लगता हुआ इलाका है खाजूवाला, वहाँ से गोविंद राम मेघवाल आते हैं। और शकुंतला रावत, ये बानसूर से विधायक हैं। अब जो राज्य मंत्री बनाए गए उसमें श्रीमती जाहिदा, ये कामा से आती है। और ब्रिजेंद्र सिंह ओला झुंझुनू से विधायक हैं। राजेंद्र गुड्डा उदयपुर वाटी से विधायक हैं। और मुरारीलाल मीणा दौसा से विधायक हैं। तो इन सबकी किस्मत का पिटारा खुला है और इनको गहलोत कैबिनेट में जगह मिली है। अब पायलट उम्मीद थी और सबको उम्मीद थी कि पायलट को जब बुलाया गया है दिल्ली मिलने के लिए, मुलाकात की उन्होंने हाईकमान के जो बड़े नेता हैं उनसे मुलाकात की, तो जाहिर सी बात थी कि सबको बराबर का मौका दिया जाएगा, यानी कि जितना गहलोत गुट को मिलेगा उतना पायलट खेमे को भी मिलेगा। और नतीजे भी उसी तरह से सामने आए हैं। 5 जो कैबिनेट मंत्री हैं, जो मंत्री हैं, वो पायलट खेमे को मिले हैं और 5 गहलोत को मिले हैं। पायलट खेमे से जो आते हैं, जिनको मंत्री बनाए गए, उनमें हेमाराम चौधरी जाट समुदाय से बड़े नेता हैं, ब्रिजेंद्र ओला, मुरारीलाल मीणा, रमेश मीणा, विश्वेंद्र सिंह, ये बड़े नाम हैं। और रमेश मीणा और विश्वेंद्र सिंह वो दो कैबिनेट मंत्री जिनको बर्खास्त किया गया था जब अंदरूनी कलह राजस्थान कांग्रेस में हुआ था, पायलट और गहलोत दो गुटों में बट गए थे उस दौरान, क्योंकि ये पायलट खेमे से आते हैं, तो इन दोनों को पायलट ने अपनी पूरी ताकत झोंक कर दोनों को एक बार फिर से मंत्री बनाया गया है। 5 मंत्री गहलोत खेमे से बने हैं। कुछ जिले हैं जो रह गए हैं जिनको मंत्री नहीं मिले हैं, और ये बड़ी बात है। कुल 33 जिले हैं राजस्थान में, उनमें से 12 मंत्री ऐसे हैं, 12 जिले ऐसे हैं जहां कोई मंत्री नहीं मिला है। उनमें से उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, सिरोही, धौलपुर, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू, टोंक और अजमेर और सीकर, यहाँ से प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। तो एडजस्ट किया जाएगा, चाहे सीएम के जो सलाहकार है उसमें एडजस्ट किया जाए, या फिर जो एमएलसी बनाने हैं उसमें एडजस्ट किया, कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि 12 जिलों को कांग्रेस नहीं चाहती कि बिल्कुल खाली छोड़ दिया जाए और आने वाले चुनाव में उसका नुकसान हो। अब गौर करने वाली बात यह भी है कि किन जिलों को कितने कितने मंत्री मिले हैं, क्योंकि 12 जिले तो ऐसे हैं जहां पर एक भी मंत्री नहीं बनाया गया है जहां से, और कुल दूसरे जो 12 को छोड़कर बाकी जिले हैं वहां पर
किनको कितने मिले हैं, उसमें से सबसे बड़ा नाम जयपुर का, 4 कैबिनेट मंत्री जयपुर के हिस्से आते हैं, भरतपुर से 4 आते हैं, दौसा से 3 आते हैं, बीकानेर से 3 आते हैं, झुंझुनू, बांसवाड़ा, अलवर, कोटा, 2-2 कैबिनेट मंत्री यहां से आते हैं। उसके बाद भीलवाड़ा, बाड़मेर, करौली, जालौर, बूंदी, जैसलमेर और जोधपुर, यहां से एक एक कैबिनेट मंत्री सामने आता है। आज 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है और उससे पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय जाएंगे और वहां से इनको तिलक करके और फिर रवाना किया जाएगा राजभवन के लिए, जहां से ये शपथ लेंगे। अब स्वाभाविक सी बात है और सबको इस बात का अंदाजा था कि ये जो फेरबदल होने हैं इसमें कांग्रेस किसी को नाराज नहीं करना चाहेगी, लेकिन कयास ये भी थे कि निर्दलीय जिन्होंने साथ दिया है कांग्रेस का, बुरे वक्त में साथ दिया है, उनको भी प्रतिनिधित्व मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, एक भी निर्दलीय को जगह नहीं मिली है। और दूसरी बात, बड़ी बात, कि जो पहली बार विधायक बनकर आए हैं कांग्रेस की सीट पर, जो चुनाव लड़े और पहली बार जीत कर आए हैं, उनको भी मौका नहीं मिला है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखा गया है और ये जो विस्तार हुआ है या फिर पहले की जो कैबिनेट थी, इसमें से एक बात का तो खास ध्यान रखा गया कि कांग्रेस के जो विधायक हैं, कांग्रेस के नेता हैं, केवल उन्हीं को मौका दिया गया है, ना कि बसपा से जो शामिल हुए थे कांग्रेस में समर्थन दिया या फिर जो निर्दलीय थे उनको समर्थन दिया, उनको मौका नहीं मिला है। कुछ और भी अहम बातें हैं कि आज 4 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह होना है और कल शाम को मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी, उस बैठक के बाद ये फैसले लिए गए और 3 इस्तीफे सभी के लिए गए, जितने कैबिनेट मंत्री सभी के इस्तीफे लिए गए। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा फेरबदल होना है, हो सकता है डिपार्टमेंट विभाग तमाम मंत्रियों के चेंज हो, क्योंकि एक नई टीम की एंट्री हुई है, ऐसे में हर एक शख्स की पूरी प्रोफाइल चेक करके उसको मंत्री बनाया गया है और उसी हिसाब से उनको विभाग अलॉट किए जाएंगे, ताकि जिनमें उनकी अच्छी पकड़ है उस विभाग के लिए भी वो अच्छा काम कर सकें। एक खास और दिलचस्प बात यह है कि जीजा साले राज्य मंत्री बने हैं, राजस्थान के इतिहास में शायद पहली बार है कि भंवर सिंह भाटी पहले से ही राज्य मंत्री हैं और अब उनके साले जो कि बसपा से आए हैं राजेंद्र गुड्डा, उनको राज्य मंत्री बनाया गया है। तो ये कुछ बड़ी बातें हैं जो इस मंत्रिमंडल में जो फेरबदल हुआ है उसे निकलकर सामने आई है, लेकिन एक इसको हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से स्क्रिप्ट तैयार की गई, बहुत अच्छे तरीके से इस पर मंथन किया गया, हाईकमान पूरी तरह इन्वॉल्व था इस कैबिनेट विस्तार में और पूरी तरह इस बात में भी इन्वॉल्व है कि किस विधायक को मंत्री बनाना है और उस मंत्री को कौन सा विभाग देना है, क्योंकि मंत्री बनने के बाद विभाग बांटना बड़ा मुश्किल होता है, अक्सर जो मलाईदार विभाग होते हैं उनकी तरफ रुझान ज़्यादा रहता है मंत्रियों का, कि मलाईदार विभाग है वो उनके पास रहें, लेकिन हाईकमान की तरफ से पूरी इस पे स्क्रिप्ट तैयार की गई, अच्छे तरीके से इन तमाम चीज़ों को मैनेज किया गया है और आज जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह होगा उसके बाद जाहिर सी बात है किसको कौन सा मंत्रालय मिला है ये भी चीज़ें सामने आ जाएगी। तो न्यूज़ 19 ने आपको पहले भी बताया था कि 3 जो मौजूदा कैबिनेट मंत्री हैं उनके इस्तीफे लिए जाएंगे, उसके बाद टोटल मुख्यमंत्री समेत जो 30 का जरूरी आंकड़ा है वो पूरा कर लिया जाएगा, एक भी उसमें गुंजाइश नहीं थी कि एक भी मंत्री पद खाली छोड़ दिया जाए, क्योंकि 2 साल बाद चुनाव होने हैं। अब रही दूसरी बात कि जो बच गए उनका क्या होगा, तो उनको भी एडजस्ट करने की तैयारी है सरकार के अंदर, एडजस्ट करने की तैयारी है, कुछ विधायकों को हो सकता है चेयरमैन प्राधिकरण और निगमों को चेयरमैन बनाया जाए, 7 का आंकड़ा ऐसा है कि उनको मुख्यमंत्री का सलाहकार, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट से मुख्यमंत्री को राय लेनी होती है, वो मुख्यमंत्री को फीडबैक देते हैं, तो सलाहकार भी 7 विधायकों को घोषित किया जाए और उसमें जिन जो वरिष्ठ हैं, जिनको तजुर्बा है और जो अच्छे अच्छे शिक्षित हैं और हर एक क्षेत्र में एक मजबूत स्तंभ है, उनको उसमें मौका दिया जाएगा, प्रायोरिटी दी जाएगी, तो वो 7 वहाँ एडजस्ट किए जाएंगे। इसके अलावा
15 विधायकों को और एडजस्ट किया जाना है। तो ये तमाम जानकारी जो कैबिनेट विस्तार गहलोत कैबिनेट का विस्तार हुआ है उसमें जो बदलाव हुआ है उसको लेकर हमने आपको बताई है। आपकी क्या राय है इसको लेकर, आप क्या सोचते हैं, क्या किसी दूसरे का भी नंबर आ सकता था या किसी को अगर बनाया गया है कैबिनेट मंत्री तो क्या उसके पीछे भी कोई सवाल है आपके जहन में? तो इन तमाम सवालों को आप कमेंट करके बता सकते हैं, न्यूज़ 19 तक आप अपनी राय पहुंचा सकते हैं। उसके बाद जाहिर सी बात है कि हम इन आपके इन सवालों को एक अच्छे मंच पे ले जाकर, यानी कि जिससे रिलेटेड आपका सवाल होगा उसी मंत्री, उसी पार्टी, उसी उस एक विशेष शख्स से हम उस सवाल को पूछेंगे और आपके जो सवाल है उसका जवाब लेने की कोशिश करेंगे। तो इस खास विशेष बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।